बाजुओं की ताकत आजमा सकता है इस पहलवान में, तो हमारे नेपाल में बैजनाथ पहलवान बसंत थापा और इस पहलवान के घर तो पोखरा है मगर ये बचपन से ही हमारे पास रहता है। अयोध्या में रहते थे, अयोध्या में था, अब इस वक्त 5 बरस से नागाकुटी के उत्तराधिकारी महंत बना हूँ, वहाँ भी अखाड़ा चलाता हूँ। ये हमारे पहलवान जो है अच्छा लड़ता है और हमारे पास रहता है, ये हमारा चेला है, हमारे पुलिस के जवानों के मालूम है। जब कहीं युद्ध होता है तो पहले सेना लड़ती है, बाद में कर्नल लड़ता है। और कुश्ती में यहाँ बहुत से सारे लोग हैं, उनको मालूम है उस्ताद बाद में लड़ता है, पहले चेला लड़ते हैं। इस बात के कितने लोग जानते हैं, जरा हाथ उठाइए। कहने के मतलब हमारे सभी लोगों के इस बात को मालूम है। इस पहलवान ने हमको नहीं, हमारे पूरे नेपाल को ललकारा। हम अपने चेला को भुला दिए हैं। एक बार बोलिए बरदगोरिया बाबा की, हमारे नेपाल देश की। और गोरा राम झोल लाल कलर के जाहिया में रेफरी साहब के बाएं हाथ में पारस थापा, नेपाल का चांद, नेपाल का शान, नागाकुटी त्रिवेणी धाम, इनका घर है पोखरा। इन्हीं के सवाल के जवाब में 100 कितना वजन है पहलवान आपके? 118 किलो वजन। अगर कमजोर आदमी के कह दिया जाए कि पलट दो तो उसको इस घड़ी पसीना आ जाएगा, समझ जाइए चीनी का बोरा। इस कुश्ती का समय करमवीर सिंह पहलवान महाराज, कुश्ती का समय रेफरी साहब बताएंगे। 8 मिनट रेफरी साहब इशारा कर रहे हैं, 8 मिनट चैलेंजी कुश्ती है, 8 मिनट नेपाल का पहलवान कुश्ती लड़ेगा। Thank you.
शिवलिंग का हो। इस पहलवान को पता था मैं इसे पटक लूंगा क्योंकि पहले मैंने धोबी मारा था, लेकिन इसको पता था एक पारस्थापा जीत जाएगा इसलिए मेरे हाथ पे चोट मार के बाबा जगह को हाथ सुझा दिया, इसने हाथ पर चोट मार दिया, हाथ ऊपर चढ़ा के झटका मार दिया। को समिति करते था इबादतपूर्वक खेल न सके झाली जितने कोशिश या एम्पायर लाए चैलेंज ये
महाराष्ट्र बाट बाबा नेपाल बाट त्रिवेणी एक्सरसाइज बाबा त्रिवेणी नेपाली हुनुहुन्छ वहाँ दस मिनट समय तो के को छ आफ्नो चेलालाई झल्ली गरेर हात दुखाइदिएको रिश्मा गुरु रिश्मा हुनुहुन्छ जब एम्पायर सीटी बजाएंगे तब छोड़ना चाहिए जब एम्पायर ने सीटी बजाएंगे तब छोड़ना चाहिए ईमानदार साथ अनुशासन साथ खेलिए बाबा का वो खींच दिया हो अगर अनुशासन आप तोड़ेंगे तो दर्शक भी अपना अनुशासन तोड़ने के लिए बाध्य हो जाएगा फिर लाइन से बाहर आओ छोड़ना चाहिए छोड़ना चाहिए जब एम्पायर ने सीटी बजा दिया तो छोड़ना चाहिए अरे काले माधव तो अरे पहला भोसड़ी वाला उंगली पकड़ के दाव किया जाता है पकड़ के फंसा नहीं जाता है जब एम्पायर ने सीटी बजा दिया तो छोड़ना चाहिए दोनों ने देख रहे हैं हम कि एक तरफ बाबा है जिनके उम्र ज्यादा है एक तरफ है अभी का पृथ्वी में लगता है सांड जैसा
कृपया दर्शक हमी प्रतियोगिता हेरा मनोरंजन लिखा ये साड़ो उत्सृंखल न बनाऊ खेल हो थोड़े धीरे भैया हमी देखी रह उमेर ने कति फरक हो फिर सब दर्शक निके भरपूर मनोरंजन भैर सब रिस उठी रहमसंगत नखेल कहीं फाउल लाइन भाग बाहर लाइन के भीतर जाके खेलिए अखाड़ा में जाके खेलिए मैदान में खेलिए कृपया दर्शक छोड़ना पंपायर ने सीठी बजाने के बाद छोड़ना चाहिए हाँ गाड़ी